नमस्कार, स्वागत है आपका वीक न्यूज में। आपके साथ मैं हूं देवेंद्र सिंह। दुनिया में तेजी से परचम लहराता भारत काफी आगे बढ़ रहा है, क्योंकि लोग शिक्षित हो रहे हैं और साथ ही सही और गलत का फर्क भी समझते हैं। यूं तो हम तेजी से बदल रहे हैं, लेकिन हमारे समाज में कुछ ऐसे कुंठित सोच के लोग हैं जो अपनी मानसिकता कभी नहीं बदलते हैं और तरह तरह के जुल्म से समाज की बेटियों और बहुओं को अपना शिकार बनाते हैं। आज हम इंदौर की बात करेंगे, जहां पर दहेज प्रताड़ना से जुड़ा एक मामला सामने आया है, जिसमें विजयनगर के ट्रांसपोर्ट व्यवसायी के ऊपर एक महिला ने करोड़ों रुपयों का दहेज लेकर प्रताड़ित करने का मामला दर्ज करवाया है। ये महिला कोलकाता की रहने वाली है और ससुराल वालों पर शिकायत को लेकर कोलकाता पुलिस जांच करने इंदौर पहुंची है। आपको बता दें, निधि पेशे से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और दोनों की शादी पारिवारिक रजामंदी से हुई थी। शादी के बाद से ही परिवार दहेज को लेकर युवती को परेशान करने लगा था, जिसके बाद थोड़ी थोड़ी रकम मांगते हुए करोड़ों रुपयों की राशि ससुराल वालों को दे दी गई। आपको बता दें, पीड़ित महिला ने बताया कि शादी के बाद ससुराल में उससे नौकरी की तरह बर्ताव किया जाता है, या यूं कहें नौकरों की तरह उसके साथ व्यवहार किया जाता है और घरेलू काम के साथ ही आए दिन शारीरिक प्रताड़ना भी देते हैं। इतना ही नहीं, पीड़िता से व्यवसाय के लिए घर से लाखों रुपए लाने की डिमांड करते थे, जिसके कारण महिला के परिवार ने करीब 1.25 करोड़ रुपए से अधिक की राशि और सामान ससुराल पक्ष को दे दिया था। लेकिन उसके बाद भी दहेज की मांग रुकने का नाम नहीं ले रही थी, लगातार उसे प्रताड़ित किया जा रहा था। कोरोना महामारी के समय भी लगे लॉकडाउन में पीड़ित महिला के परिवार ने ट्रक से इंदौर में कई आवश्यक सामान सहित नकदी रुपए ससुराल पक्ष के खाते में ट्रांसफर किए गए थे। जब पीड़ित महिला अधिक प्रताड़ित होने लगी तो वह कोलकाता चली गई और वहां पर पुलिस की शरण लेकर पति अंकित अग्रवाल सहित ससुराल के कई लोगों पर शिकायत दर्ज करवाई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आपको बता दें, इस पूरे मामले पर थाना प्रभारी का क्या कुछ कहना है, आपको सुनाते हैं। यहाँ पे ये लोग एकदम भी कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। पहले यहाँ पे आए हैं, फिर ये लोग कोई पलासिया में कंट्रोल रूम में भेज दिए। वहाँ से वो लोग बोले कि आप लोग को कंट्रोल रूम में जाने का दरकार ही नहीं था, यहाँ पे आना। यहाँ पे भी ये लोग इतना 4 घंटा हो गया, ये लोग सीनियर ऑफिसर अभी तक आया ही नहीं है। कोई हेल्प ही नहीं है इंदौर में मेरे को, हम क्या करें। तो सुना आपने, वह कह रहे हैं कि आरोपियों पर कार्रवाई की जाएगी। कोलकाता से आए परिवार ने आरोप लगाया कि इंदौर पुलिस बिल्कुल भी किसी भी स्तर पर सहायता नहीं कर रही है, सुबह से इस थाने से लेकर उस थाने तक दौड़ा रही है। तो वहीं कोलकाता से आई पुलिस भी इंदौर पुलिस के आगे पीछे दौड़ती हुई नजर आ रही है। इस पूरे मामले पर पीड़ित महिला क्या क्या कुछ कहना है, आपको सुनाते हैं। जिसमें यहाँ की पुलिस की इमदाद के लिए पुलिस आई है, अभी उनके डॉक्यूमेंट वगैरह वेरीफाई कर रहे हैं और डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद कलकत्ता संपर्क करके उसकी तस्दीक करेंगे और फिर जो वैधानिक हेल्प होगी उनकी की जाएगी। तो देखा आपने, पीड़ित महिला न्याय के लिए गुहार लगा रही है। अब देखना यह होगा कि कोलकाता पुलिस किस तरीके से इंदौर से ट्रांसफर व्यवसायी से पूछताछ कर पाती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।